आर्टिकल्स को यूज़ करना तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज नहीं होते हैं आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सो आर्टिकल्स पे ये मेरा छठा वीडियो है, तो अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, सो प्लीज़ डू चेकआउट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल पूजा स्टोरीज, मैं हूँ पूजा। सो आर्टिकल्स का यूज ना करने का सबसे पहला रूल है कि ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, मतलब कि ए और एन का मतलब हो गया कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, बट अगर नहीं क्लियर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का मतलब ए और एन को रखा जाता है, और डेफिनिट आर्टिकल में द को रखा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, मतलब ए और एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला रूल होता है ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। ओके, सो प्रॉपर नाउन अब किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैंने क्लियर की हुई हैं अपने वीडियोज में, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे समझना चाहते हैं जल्दी से तो मैं बता दूं कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और इसका एक प्रकार है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अगर बिहार ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, या फिर राजस्थान ले लीजिए, या फिर कोई भी बड़ी सी जगह आप ले लीजिए, या कोई बड़ा मतलब एक वस्तु ले लीजिए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। या फिर जैसे आप कुतुब मीनार ले सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारे लाल किला ले सकते हैं, ताजमहल ले सकते हैं, तो ये सारे जो हैं वर्ल्ड में एक ही हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपर नाउन के रूप में हम जानते हैं। ओके, तो एग्जांपल में देखें अगर कि प्रॉपर नाउन में कहाँ कहाँ ए और एन का यूज नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, तो जैसे हम लिखेंगे वी लिव इन बिहार। ओके, हम बिहार में रहते हैं, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि वी लिव इन अ बिहार, ऐसे करके तो नहीं लिखेंगे, हम बिहार में रहते हैं, बस इतना हमको क्लियर है। सो प्रॉपर नाउन के साथ हमको ए और एन का यूज नहीं करना है, जैसे वी लिव इन इंडिया हो गया, ठीक है, दिस इज रामायणा हो गया, रामायणा एक जो हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ बोला जाता है, सो दिस इज रामायणा हो गया, तो यहाँ ए रामायणा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रामायण एक ही है, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है रामायण एक ही है, महाभारत एक है, बाइबल एक है, या फिर आप कुरान शरीफ को ले लीजिए, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो उनको प्रॉपर नाउन में रखा जाता है, तो इन सब के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, सो नंबर टू अगर हम देखें तो ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हो गया कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, मतलब जिन जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सके, काउंट नहीं किया जा सके, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो उसमें वाटर आता है, मिल्क, राइस, टी, म्यूजिक, कुछ भी जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा किसी चीज़ के साथ बतानी हो तो हम उसमें हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर देखें हम कि अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अगर एक ग्लास पानी को हमको बताना है तो हम बोलेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ग्लासेज को बताना है तो टू ग्लासेज ऑफ वाटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो इस टाइम पे अगर किसी भी मात्रा को शो करना है किसी वस्तु के साथ, अगर अनकाउंटेबल नाउन को, तो हम वहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं। ओके, लेकिन इसके साथ ध्यान रखना है कि आपको इसके साथ आप ए और एन का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्लास के साथ आप ए और एन का यूज कर रहे हैं, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे भी काउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए और एन का यूज कर रहे हैं, ना कि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। सो नंबर थर्ड आता है, ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ए और एन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को एक संख्या में दर्शाने के लिए आपको ए और एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वो बहुवचन में हो, ज़्यादा मात्रा में हो चीज़ें, तो आप वहाँ पे ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रन हो गया, बॉयज हो गए, मेन हो गया, काउज, ईटीसी, मतलब कोई भी प्लूरल नाउन बहुवचन में आप ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। सो नंबर फोर अगर देखें, ए और एन का प्रयोग काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले नहीं होता है। ये जो इस तरह के जो वर्ड्स लगते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में, उनके साथ आप
ए और एन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें, काइंड ऑफ ड्रेस मतलब इस तरह की ड्रेस, टाइप ऑफ बुक इस तरह की किताब, वेराइटी ऑफ काउ इस तरह की गाय, ठीक है, मतलब होता है ना किसी, अगर बुक को हम किसी टाइप में बताना चाहते हैं कि ये इस टाइप की बुक हमारे पास है, तो आप टाइप ऑफ बुक बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कैसे हम इसको करते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, कभी कभी हम आर्टिकल का यूज करते हैं उसमें, तो वो कहाँ यूज होता है ये थोड़ा समझिए। अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, तो इज ही, तो इसमें हम करेंगे कि इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि इस आदमी की दक्षता और योग्यता जानने के लिए हम इस आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। किसी एक आदमी की दक्षता और योग्यता जानने के लिए हम इस आर्टिकल का यूज इस वर्ड के साथ कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे हम सेंटेंस में देखें कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मतलब अगर हम बिना आर्टिकल के यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, तो इसका मतलब हो गया कि उस इंसान के, उस आदमी के पेशे या व्यापार का पता लगाने के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दो तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो आर्टिकल के साथ है और एक आर्टिकल के साथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें अभ्यास करते करते समझ में आएंगी कि कहाँ हमको यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। रूल्स एक अलग चीज़ हो गई, समझना एक अलग बात हो गई, लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी एक अलग चीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, मैं बार बार कहती हूँ, जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे, तो और भी चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आने लगती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो नंबर 5 पे अगर हम आएँ, तो नेम्स ऑफ मील्स के पहले भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। नेम्स ऑफ मील्स का मतलब हो गया कि खाने के जो नाम होते हैं, खाने का नाम मतलब कि जैसे डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं नेम्स ऑफ मील जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखें, गिव ब्रेकफास्ट, अगर हमको किसी से ब्रेकफास्ट लेना है या हम मांग रहे हैं कि हाँ मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, तो हम ये नहीं बोलेंगे गिव अ ब्रेकफास्ट, हम बोलेंगे गिव ब्रेकफास्ट। या फिर गिव डिनर, अगर हम मुझे रात का खाना खाना है, तो वो हम गिव के साथ आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, मतलब मील्स के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मील्स के साथ अगर एडजेक्टिव यूज करके हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तब हम वहाँ आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अ गुड डिनर, ठीक है, तो डिनर जो था अच्छा था, इसको हम बताने के लिए गुड का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हम कहीं खाना खाने जाते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर किसी ने बनाया है, बुलाया है, या फिर अपने घर पे ही हम किसी को बोलना चाहते हैं कि हाँ चलो ये डिनर बहुत अच्छा था, तो हम कैसे बोलेंगे, इट वाज अ गुड डिनर, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव लगा हो नेम्स ऑफ मील्स के साथ, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, मतलब ए और एन यूज करेंगे। ओके, सो आते हैं रूल नंबर 6 पे। सो रूल नंबर 6 बोलता है ए और एन का प्रयोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हम देख रहे हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ या फिर जॉब ऑफ के बाद जो नाउन्स प्रयुक्त होते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, अगर किसी प्रिंसिपल के पोस्ट को हमको दर्शाना है, तो हम बोलते हैं द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब नॉट अ प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल हम नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको बिना आर्टिकल के ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे द रैंक ऑफ डीएसपी, ठीक है, तो डीएसपी के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर टाइटल ऑफ नेताजी, टाइटल ऑफ नेताजी का मतलब हो गया कि नेताजी का मतलब यहाँ पे हो गया सुभाष चंद्र बोस की जो टाइटल है, वो हम उसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ए नेताजी करके नहीं इंडिकेट करेंगे, बिकॉज नेताजी एक ही हैं। ओके, सो ये एक चीज़ हो गया। और अगर नंबर 7 देखें हम, सो ए और एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। ओके, ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग में ही देखी हुई हैं कि नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव प्रयोग हो, तो एडजेक्टिव के हिसाब से हम नाउन यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो हम उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमको बताना हो कि ही इज ऑनेस्ट, मतलब कि वह ईमानदार है, लेकिन अगर यहीं पे अगर हम मैन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ही इज ऑनेस्ट मैन,
तो इस तरह का अगर सेंटेंस हम बनाएंगे नाउन के साथ अगर हम बनाएंगे तो हमको आर्टिकल यूज करना है। लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव लग रहा है, मतलब सिर्फ किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे नाउन अब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ अगर एडजेक्टिव हो किसी सेंटेंस में तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब ए और एन का यूज नहीं करेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो नंबर 8 अब बोल रहा है कि ए और एन का प्रयोग इन 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं होता है। कुछ एडजेक्टिव के टाइप होते हैं और जिसके साथ आपको ए और एन का यूज नहीं करना है। जैसे कि पहला होता है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, यानी संबंधवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, जिसमें आता है आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके साथ भी हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे माई शर्ट हो गया, आर कंट्री हो गया, योर पेन हो गया, इसमें हम माई असर्ट तो नहीं लिखेंगे, माई शर्ट लिखेंगे। इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दूसरा काइंड ऑफ एडजेक्टिव देखें हम तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रदर्शनात्मक एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं, जिसमें दिस होता है, दैट होता है, दिस, दोज, द सेम, एनी, द अदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें प्रदर्शनात्मक एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब इससे हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, इससे हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो दिस हाउस, दैट बुक, एनी पेन, ऐसे करके जब हम किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके बीच में हम आर्टिकल्स का प्रयोग यानी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। गॉट इट। सो थर्ड नंबर अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब हो गया कि वितरण संबंधी जो विशेषण होते हैं उसमें भी हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे इच हो गया, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी अगर कोई नाउन है तो उसके साथ भी हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे एवरी गर्ल, इच पेन, आइदर रूम, इस तरह के जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो इसके बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बार अगर हमारे दिमाग में सेट वे हो गई तो फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट नंबर 9 रूल बोलता है कि ए और एन का यूज कुछ फ्रेजेज में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसमें आपका ए और एन का यूज नहीं होता है। जैसे हो गया ऑल विंटर हो गया, ऑल वीक हो गया, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग, गो टू द जू, गो टू द स्टेशन, इन सब में भी आप ए का यूज नहीं करेंगे। जहाँ कहीं कहीं आपको द का यूज करने को मिल जाता है। द का यूज अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, समझाया नहीं है आपको, तो मैं द का यूज आपको इसका जो है इनडिफिनिट आर्टिकल का जब प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद से मैं द का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ नहीं होता है इस चीज़ पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको बस बने रहना है चैनल पर और थोड़ा सा ट्राई करते रहना है, नोटबुक में नोट करते रहना है ये सारी चीज़ें, साथ में आपको दिमाग में भी नोट करते हुए चलनी है। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस सारी चीज़ों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप बिल्कुल आराम से प्लेलिस्ट में जाके इन सारी चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं, ओके। सो आई होप मैंने आपको 9 रूल्स बताए हुए हैं इस वीडियो में जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। सो अगर आपको कहीं भी कोई सजेशन देना हो या फिर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपके बच्चों के लिए, आपके आसपास जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करने वाले बच्चे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं, उन सारे के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए, ओके। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ, मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल के जो प्रैक्टिस सेट हैं ए और एन के, उसके साथ। वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा इन सारे रूल्स को पढ़ने के बाद कि हाँ आपको कहाँ ए का यूज करना है और कहाँ एन का यूज करना है, प्लस कहाँ ए और एन का यूज नहीं करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।